व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारा कुछ ऐसा सीन है कि हम जाने वाले हैं पूरी बीच, एंड पूरी बीच वही मोनोटोनस पूरी बीच नहीं जहाँ पे हर बार हम जाते हैं या पहले आप लोग गए होंगे या सुना होगा। हम जाने वाले हैं पूरी गोल्डन सैंड बीच, जो कि पूरा नया बना हुआ है एंड काफ़ी ज़्यादा मेंटेन किया गया है। एक ब्लू फ्लैग बीच है एंड ऐसे इंडिया में टोटल 8 बीचेज हैं, दिस वन ऑफ देम। एंड अभी मैं सोनल भाई के साथ जा रहा हूँ, तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड एंजॉय करो। तो गाइस हमने अभी जर्नी स्टार्ट कर लिया है एंड मैं सोनल भाई आगे बैठे हैं एंड अंकिता इज देयर। से अंकिता, हाय। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गोल्डन बीच एंड इसका एंट्री कुछ ऐसा है। सो यूजुअली आप जब पूरी बीच आते हैं तो आपको आई गेस कहीं भी बाहर आप पार्किंग कर सकते हैं एंड आपका कोई पार्किंग फीस वगैरह नहीं होता। एंड यहाँ पे इनका पूरा स्पेसिफिक चार्ट है कि 2-व्हीलर्स, 3-व्हीलर्स, 4-व्हीलर्स के लिए कैसे क्या, मतलब कि रेट्स वगैरह वेरी करता है। सो विल जस्ट गो इनसाइड एंड आई विल शो यू द प्लेस अराउंड। तो अभी हमने अपना गाड़ी वहाँ पार्क कर दिया है एंड हाय अंकिता। सो लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर द प्लेस। सो दिस इज द गोल्डन बीच पूरी एंड दिस लुक्स सो डिफरेंट फ्रॉम द टिपिकल पूरी बीच व्हिच वी यूज्ड टू विजिट। And it looks so different and so nice. जो क्लीनलीनेस यहाँ पे अभी दिख रहा है, जितना साफ सुथरा बीच है, तभी इसको ब्लू फ्लैग बीच दिया गया है। टोटल देर आर 8 बीचेज इन इंडिया जिनको ब्लू फ्लैग मिला है एंड दिस रैंक इज थर्ड बीच। सबसे पहले आई गेस गुजरात में है, केरला में है एंड देन इट्स पूरी उड़ीसा एंड दिस लुक्स। और जैसे कि आप देख सकते हैं वरुण अभी वॉशरूम से आया है सुसु करके, मतलब रास्ते से बोल रहे हैं सुसु लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, मतलब वॉशरूम इतना अच्छा था कि सुसु करके मजा आ गया। तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड इस थोड़े दिन पहले मैं गोपालपुर बीच गया था एंड उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है इस बीच से, मतलब अभी जो लग रहा है जितना सुंदर ही लग रहा है बीच। एंड आई हैव बीन हियर बिफोर इस जगह पे पूरी पे, बट इस बीच में पहली बार आया हूँ एंड ट्रस्ट मी ये बीच का टोटली डिफरेंट वाइब है, बस पूरा डिफरेंट वाइब, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। जितना मैं सुना था उससे कहीं ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है एंड इट्स ऑल अबाउट क्लीनलीनेस। देखना पड़ेगा कि कितना टाइम तक ये एक्चुअली मेंटेन करते हैं एंड कितना टाइम ये साफ रहता है, सिर्फ पैसे लेने से नहीं बट इसका एक्चुअली मेंटेन करना पड़ेगा। अभी तो नया नया खुला है ये कुछ महीनों पहले, बट नेक्स्ट ईयर जब मैं यहाँ आऊँ तो आई होप एंड एक्सपेक्ट कि इसे ज़्यादा अच्छा हो, इसे ज़्यादा सुंदर लग रहा हो एंड कुछ भी ख़राब ना करें। एंड मेक श्योर आप जब यहाँ आते हैं तो आप इसे इतना ही क्लीन रखें, इसका अपना समझें, क्योंकि यार इंडिया में ऐसे बहुत ही कम बीचेज हैं जिनको ब्लू फ्लैग रेट किया जाता है। सो यहाँ पे बीच में आपको डेडिकेटेड पूरा बच्चों के लिए सेक्शन मिलता है जहाँ पे चिल्ड्रन कैन एक्चुअली एंजॉय द स्विंग्स एंड यू हैव अ फिटनेस सेंटर राइट देयर। बस फिटनेस सेंटर नाम के लिए, बच्चों के लिए नाम के लिए सब बड़े बड़े उसमें घुस रहे हैं एंड सो फार सो गुड, द एक्सपीरियंस इज सो नाइस एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम तीन अभी, वो सोनल भाई बोरा और हम तीन अभी जा रहे थे वहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए सनसेट, बट हमारे वहाँ जाने से पहले सन हो चुका है सेम, बट लग नहीं रहा कि बिल्कुल ही पूरी बीच है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब एक नंबर बीच। लुक एट दिस मैन, दिस सो ब्यूटीफुल। Thank you.
हमको भी ऑलमोस्ट एक डेढ़ घंटा हो चुका है एंड बीच वाइब्स अभी तक आ रही है। मैं क्या ही बताऊँ कितना सही लग रहा है। सनसेट हो गया ऑलमोस्ट 15-20 मिनट हो चुका है शायद से एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड अभी लाइट्स थोड़े डिम हो रहे हैं बट थैंक्स टू माय M50 जिससे बहुत अच्छा लाइटिंग आ रहा है। एंड हियर सोनल भाई इज आल्सो ट्राइंग टू कैप्चर सम ऑफ द फोटोज एंड देयर अंकिता इज पोजिंग एंड क्लिकिंग हर ओन पिक्चर्स एंड मैं अपने यहाँ पे मज़े से व्लॉग कर रहा हूँ। मैं तब से बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है एंड M50 में क्या ही क्लैरिटी आ रहा है, क्या ही गजब क्लैरिटी। मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था कि M50 विल डू दिस मच जस्टिस लो लाइटिंग में, इतना अच्छा आएगा। बट थैंक्स टू कैनन M50 ये बिल्कुल भी कोई पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा, पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, ये सब मैंने अपने खुद के पैसे खरीदा है, मतलब पापा के पैसों से। गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हमको पूरी बीच, गोल्डन बीच आके, एंड ट्रस्ट मी दिस इज वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा अच्छा होगा, यूजुअल पूरी बीच से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड अभी हमारा आगे का प्लान हमको इतना श्योर नहीं है कि हम यहाँ पे अभी खाएंगे या नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। अगर आपको थोड़ा पसंद आया तो मेक श्योर यू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल डेफिनेटली दबाएगा सो दैट यू गेट पोस्टेड अबाउट द अपकमिंग वीडियोज एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।